नमस्कार, मॉर्निंग बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चाउली। आज इस बुलेटिन में बात होगी, बिहार में IGIMS के सफाई कर्मी राम बाबू कोरोना का पहला टीका लेंगे, एम्बुलेंस चालक अमित दूसरा, दोनों बोले डर नहीं लग रहा। कोविन पोर्टल का सर्वर ठप, इंतजार करते रहे लेकिन 24 घंटे पहले नहीं आया वैक्सीनेशन का मैसेज, मैनुअली तैयार हुई लिस्ट। सीएम ने आर ब्लॉक से देगा अटल पथ का लोकार्पण किया, 379.57 करोड़ से बनी है यह सड़क। राजकीय में होगा बिहार का बेस्ट पार्क, नीतीश कुमार ने किया उद्घाटन। आखिर में कंगाल पाकिस्तान को दोस्त, मलेशिया ने दिया झटका, पैसे नहीं चुकाने पर जब्त किया प्लेन, यात्रियों को उतारा। तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में बर्ड फ्लू का कोई मामला नहीं आया, 600 नमूने की हुई जांच, सभी नेगेटिव मिले। मुख्यमंत्री की फटकार के बाद जनसंपर्क विभाग ने बिहार DGP का नंबर किया जारी। आज से राज्य के ट्रकों का चक्का होगा जाम, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर एसोसिएशन का जाने का फैसला। पटना जंक्शन पर ई मंजिल सेवा की शुरुआत, पटना में टैक्सी और कैब की तरह अब स्टेशन पर प्रीपेड ई रिक्शा की सुविधा, काउंटर से होगी बुकिंग। और सुर्खियों के बाद अब बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। बिहार में 16 जनवरी से कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत हो रही है। पहले दो टीके कोरोना काल के वॉरियर रहे सफाई कर्मियों को दिया जाएगा। इसके लिए IGIMS के दो कर्मियों का चयन कर लिया गया है। सफाई कर्मी राम बाबू को पहला टीका दिया जाएगा, जबकि इसी अस्पताल के एम्बुलेंस चालक अमित कुमार को दूसरा टीका दिया जाएगा। दोनों ने कहा कि हमें कोई डर नहीं लग रहा है। वैक्सीनेशन के 24 घंटे पहले ही कोविन पोर्टल का सर्वर ठप हो गया। वैक्सीनेशन के लिए जो मैसेज भेजा जाना था वह भी नहीं जा पाया, जिससे विभागीय अफसर परेशान रहे। एक तरफ सर्वर का काम चलता रहा तो दूसरी तरफ मैन्युअली वैक्सीनेशन के लिए लोगों का नाम फाइनल करने की कवायद चलती रही। पटना के आर ब्लॉक से दीघा के बीच बनी सड़क का उद्घाटन शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। इसका नामकरण भारत रत्न से सम्मानित देश के दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर किया गया है। 4x6 लेन वाली यह सड़क 379.57 करोड़ रुपए की लागत से बनी है। सीएम ने कहा कि दीघा आर ब्लॉक रोड अटल पथ का एक हिस्सा है, कुछ ही माह में इस पथ को गंगा पथ व JP सेतु से जोड़ दिया जाएगा। सीएम नीतीश कुमार ने राजगीर में विस्तारित वेणुवन और घोड़ा कटोरा झील के पास बनाए गए पार्क का उद्घाटन किया। 27 करोड़ की लागत से 21 एकड़ भूमि पर निर्माण कराया गया है। घोड़ा कटोरा में भी 4 करोड़ की लागत से 4 एकड़ जमीन में पार्क का निर्माण कार्य कराया गया है। पर्यटन विभाग का दावा है कि बिहार का यह पहला सबसे बेहतरीन पार्क साबित होगा। बिहार में बर्ड फ्लू का अब तक कोई मामला सामने नहीं आया है। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग ने जनवरी में अब तक 600 नमूनों की जांच की है, जिनमें सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इसमें संजय गांधी जैविक उद्यान पटना के नमूने भी शामिल हैं। विभाग ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर यह जानकारी दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की फटकार के बाद DGP SK सिंघल का नंबर जारी कर दिया गया है। बिहार जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी किए गए नंबर पर संपर्क कर DGP को सूचना एवं जानकारी दी जा सकती है। DGP के कार्यालय का नंबर 0612-2294301-2294302 और मोबाइल नंबर 0943160232 है। इंडिगो स्टेशन मैनेजर रुपेश कुमार सिंह की हत्या को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने शुक्रवार को कहा कि दोषियों को जल्द पकड़ा जाएगा, एक एक चीज की जांच चल रही है, मुझे पुलिस पर पूरा भरोसा है। सीएम ने यह भी कहा कि बिहार अपराध के मामले में देश में 23वें नंबर पर है। मीडिया ने बिहार में अपराध से जुड़े सीएम नीतीश कुमार से एक के बाद एक कई सवाल किए। इस पर सीएम ने कहा, आप जंगल राज को भूल गए क्या? पटना में दिन दहाड़े एक और हत्या हो गई है। अपराधियों ने एम्बुलेंस मालिक अलाउद्दीन उर्फ बिकाऊ को गोली मार दी, वह भी सिर में। इस कारण मौके पर ही उसकी मौत हो गई। हत्या का यह मामला सुल्तानगंज थाना के तहत गुलाबी घाट का है। अलाउद्दीन अपने एक परिचित राहुल की मां के दाह संस्कार में शामिल होने गया था। बिहार में 12 से ज्यादा चक्का वाले ट्रकों पर बालू, गिट्टी और अन्य निर्माण की सामग्रियां नहीं ले जाने के बिहार सरकार के निर्देश के बाद ट्रक एसोसिएशन ने शनिवार से बिहार भर के ट्रकों का चक्का जाम करने का फैसला लिया है। खबरों की माने तो बिहार भर के लगभग 1 लाख ट्रक मालिक इस बंद का समर्थन कर रहे हैं। ट्रक मालिकों की इस हड़ताल से इमरजेंसी सेवाओं को बाहर रखा गया है। पटना में आप जंक्शन की काउंटर से ही ई रिक्शा की बुकिंग भी करवा सकते हैं। टैक्सी और कैब की तरह ही आप ई रिक्शा से शहर के किसी भी कोने में पहुंच सकते हैं। पटना जंक्शन से शुक्रवार को प्रीपेड ई रिक्शा सेवा ई मंजिल की शुरुआत की गई। इस सेवा से यात्रियों को कम भाड़े में स्टेशन से आने जाने में सुविधा होगी। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। मॉर्निंग बुलेटिन में फिर से आपका स्वागत है। अब देश दुनिया पर एक नजर।
नई दिल्ली के विज्ञान भवन में सरकार और किसानों के बीच शुक्रवार को 10वें दौर की बैठक भी बेनतीजा रही। मीटिंग करीब 4 घंटे तक चली। मीटिंग में किसान कृषि कानूनों की वापसी पर अड़े रहे। वहीं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि हमने आपकी कुछ मांगे मानी हैं, क्या आपको भी कुछ नरमी नहीं दिखानी चाहिए। गूगल ने पर्सनल लोन देने वाले 453 ऐप्स को प्ले स्टोर से हटा दिया है। ये ऐप्स कंपनी की यूजर सेफ्टी पॉलिसी का उल्लंघन कर रहे थे। इनके जरिए लोन लेने वाले यूजर के डेटा से छेड़खानी भी की जा रही थी। कारोबारियों ने एक बार फिर लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप की नई निजता नीति के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। उनके संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स एक बार फिर केंद्रीय आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद को पत्र भेजकर व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर कार्रवाई करने की मांग की है। दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर आधी रात के बाद आए तेज भूकंप में 15 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। भूकंप और भूस्खलन की इस घटना में 600 लोग घायल हुए हैं। माना जा रहा है कि मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है। रिक्टर पैमाने पर इस भूकंप की तीव्रता 6.2 मापी गई है। कंगाली के दौर से गुजर रहे पाकिस्तान को उसके एक और दोस्त ने करारा झटका दिया है। मलेशिया ने पाकिस्तान की सरकारी विमानन कंपनी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के एक बोइंग 777 यात्री विमान को जब्त कर लिया है। यह विमान लीज पर लिया गया था और पैसा नहीं चुकाने पर विमान को जब्त कर लिया गया है। कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर घटना के समय विमान में यात्री और चालक दल सवार था, लेकिन उन्हें बेइज्जत करके उतार दिया गया। बिहार टेक्स के मॉर्निंग बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए बिहार टेक्स। नमस्कार।